अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खराब के होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी ठीक ठाक हैं। आज ही माशाल्लाह से सुबह का नाश्ते का मैंने नहीं भी लोग बनाया, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि बच्चों को नाश्ता बना के देना था। कुछ देर से मेरी आँख खुली तो बस आज जना अभी 12 का टाइम हो गया, तो अभी मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ और दोपहर की रूटीन अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले मैंने कहा चलो तैबा को सुला दूं, क्योंकि तैबा ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हुई हुई है और थोड़ी सी ना तबीयत भी सही है। तबीयत सही इसलिए नहीं है क्योंकि ये दांत निकाल रही है ना, और ये दाढ़ियाँ जो होती है ना ये वो निकाल रही है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी है और रोती रहती है। तो मैंने कहा चलो अभी इसको सुला देती हूँ, तो मैं अपना ब्लॉग भी शुरू कर लेती हूँ। आज दोपहर को खाने में क्या बना रहे हैं वो अपने बहन भाइयों को थोड़ी देर बाद। अभी आ गई हूँ मम्मा के पास, मैंने कहा जाके मम्मा से पूछती हूँ दोपहर में क्या बनाए खाने में, और मम्मा से अभी पूछते हैं मम्मा क्या बनाए खाने में। चटनी। वाह, नानी अम्मा की चटनी खड़ी है। और कोई चीज नहीं? नहीं। चलो ठीक है जी, तंदूर की फिर बनानी आपको पड़ेगी सारी। क्यों? फिर चटनी वाली चूरी बनाते हैं। लाडू खाला सुन रही है ना, ये सारे आपके काम है। नहीं चले सही है, अम्मा जी कह रही है चटनी गर्मा गर्म तंदूर की रोटी के साथ ना चटनी बना के खाएंगे, तो बस अभी चटनी बनाते जाओ, दही लेके आओ फिर चटनी बना। मेरा वक्त पास करने का भाजिया को गौरू करे। चले ठीक है नानी अम्मा, मैं जाके दही लेके आता हूँ, फिर चटनी बना के आपने देनी है, और चटनी भी बना के देनी है और चूरी भी बना के देनी है। चूरी इतनी बना ले। चलो ठीक है। 100 रुपए की दही लें, 50 की दही लें? 50 की थोड़ी है। चलो ठीक है, ये लो जाओ और ले आ। चले, आज दूसरी बाइक थी नहीं, ये वाली बाइक खड़ी हुई थी, फटफटी पुराने वाली हमारी, कभी कभार हम इसे भी चला लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सामान वगैरह लेके आना हो वो इस पे लेके आते हैं, और जो कहीं दूर वगैरह का या बैंक वगैरह जाना हो या कोई और काम करना हो, दूर जाना हो मामू वगैरह ने, या कहीं मतलब सवारी वगैरह को उठा के जाना हो, तो फिर हम वो नई वाली गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। ये वाली गाड़ी भी कमाल है, बिल्कुल ब्रेक नहीं है, ये देखें बिल्कुल भी ब्रेक नहीं है, ये फुल ब्रेक खींची हुई है लेकिन ब्रेक नहीं है, इसकी ब्रेक भी मतलब लगवानी है नहीं, और इसको मतलब डेकोरेट भी करवाना है, इस पर मतलब सारा काम वगैरह करवाना है। तो अभी मैं जा रहा हूँ इसी पे दही लेने के लिए, तो ब्रेक किस तरह लगाते हैं हम इसकी, वो हम गियर के ज़रिए लगाते हैं, गियर को मतलब डाउन कर देते हैं, पहले गियर में लेके आते हैं तो ब्रेक जो है ना मतलब गाड़ी स्लो हो जाती है, चौथे से हम पहले में शिफ्ट करते हैं तो गाड़ी स्लो हो जाती है, इस तरह हम गियर इनके ब्रेक लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, 50 की दही दीजिएगा, ठीक है, खालिश दही, बेहतरीन बेहतरीन दही। ये लेके चलते हैं, फिर बनाते हैं चटनी और फिर सुकून से खाना खाएंगे। वैसे चटनी के साथ खाना ज़बरदस्त लगता है ना दोपहर को। बेहतरीन। वैसे 50 की तोल रहे हैं लेकिन 57 की दे दी है मुझे लगता है, आपने 7 रुपये की ज़्यादा दे दी है, 160 रुपये किलो है ना, रखें ज़रा। नहीं 62 रुपये की दे दी आपने। अल्हम्दुलिल्लाह जी, दही लेके हम वापस आ चुके हैं, नानी अम्मा यहाँ पर चटनी बनाने की तैयारी भी कर रही हैं, और इस बिल्ले के काम चेक करें, सारी कमीज़ पे सर में सारी मट्टी है। जब मैं जा रहा था तो कहता है मुझे अड्डे पे लेके चलो, लेकिन बाइक की ब्रेक नहीं थी, बस इसी ज़िद की वजह से नीचे ज़मीन पे लेटने लग गया, अब उसके सारे कपड़े ख़राब और मुझे नाराज़ होके बैठा है। बबलू हिरे हिरो स्टार के लड़के, वो देखो जी अब फिर जो है ना वो सो गया है सुकून से। हाँ बिल्कुल, तो अभी नानी मैंने नमक डाल दिया है और मिर्चें भी बीच में डाल दी हैं, चटनी बनाना स्टार्ट कर दी है, और मामी यहाँ पर जी आटा बना रही हैं, आटा हमारा बन चुका है, चंद बंदों ने रोटी खानी थी इसलिए हम सब ने सोचा है कि सालन का क्या खींच खिचाल करना, थोड़ी सी चटनी बना लें, आज थोड़ा सा स्पाइसी खा लेते हैं, स्पाइसी वैसे भी चटनी दोपहर को मज़ा देती है, अगर लस्सी हो साथ में, लेकिन लस्सी तो हमारी है नहीं, मजबूरी है, ना ही कोई गाय है ना ही कोई भैंस है, तो बस चटनी तो हम दही लेके चटनी के साथ तो खा सकते हैं, और चटनी के साथ हेल्दी भी होता है, मतलब इतने ज़्यादा ख़राब भी नहीं करता। मामू को तो मतलब गैस हो जाता है,
लेकिन हमको नहीं होता। मामू के लिए तुरैया पड़ी है, ये ना तुरैया की भाजी पड़ी हुई है। हाँ वो पड़ी हुई है, हाँ रात को बनाया था। तंदूर जलाती हूँ, चटनी बना रही हूँ, लेकिन क्या सब्जी खाएंगे देखना फिर, इसीलिए थोड़ा ज्यादा करके मैंने आटा गूना। तो अभी आटा तो मैंने गून के रख दिया है, तो अभी जाती हूँ तंदूर जलाती हूँ। चलिए अभी जलता हूँ जी मामू की तरफ। और मामू जो है वो मस्जिद में बैठे हुए हैं, यानी कि मस्जिद का काम वगैरह चेकआउट कर रहे हैं। और माशाल्लाह प्लस्तर चेक करें, उस्ताद के हाथों की सफाई, मैं मुझे तो इनकी सफाई जो है वो मतलब काफ़ी अच्छी लगती है, जैसे बंदा फ़ैन हो जाता है तो मैं भी इनका फ़ैन हो गया हूँ ऐसा समझ लें। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। क्या हाल है उस्ताद जी? वो कहते हैं ना लोग फ़ैन हो जाते हैं, मैं आपके हाथों का फ़ैन हो गया हूँ। आप इतनी सफाई दें, इतनी सफाई दें कि मुझे आपके हाथ कटवाने पड़ें मुग़ले आज़म की तरह। नहीं नहीं वैसे मजाक कर रहा हूँ। और सर जी अल्हम्दुलिल्लाह अंदर की जो तीन दीवारें हैं वो तो क्लियर हो गई हैं, बस एक डिज़ाइनिंग वाली जो दीवार है फ्रंट दीवार वही रहती है, बाकी ये वाली दीवार, ये वाली दीवार और ये वाली दीवार फाइनल हो चुकी है। बस इनकी दरवाज़ों की फिनिशिंग वगैरह और ये जो धारें वगैरह होती हैं जिन्हें धारें बोलते हैं मिस्त्री अपनी लैंग्वेज में, वो रहती हैं। यहाँ भी मतलब रफ करते जा रहे हैं, फिनिशिंग जो है ना वो बाद में करेंगे ऐसे ही। चलें और बुनियाद बाहर की आज शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह, कोशिश तो है। ईंटें तो हम उस्ताद साहब ने जितनी बोली है मामू ने सारी डलवा दी हैं, ये देखें, ये एक दो तीन चार, चार ट्रालियाँ आ चुकी हैं। इधर पड़ी है, अच्छा एक इधर पड़ी है, हाँ हाँ ये भी पड़ी हुई है, ये देखें उधर भी पड़ी हुई है। ईंटें काफ़ी हैं, एक दीवार की तो काफ़ी हो जाएंगी ना इस साइड की, तब तक फिर दूसरी आ जाएगी। हाँ वो तो मंगा लेंगे, वो साथ साथ चलता रहेगा। साथ साथ जो है ना फिनिशिंग दे रहे हैं, सफाई कर रहे हैं फोम की मदद से, चेक करें जी। माशाल्लाह माशाल्लाह ये भाई लगे हुए हैं अपने काम में, यानी कि जो मिसाला वगैरह उसको अच्छी तरह से साफ करके, जो बेड पे बिखरा पड़ा है उसको अच्छी तरह साफ़ करके जो है ना इसमें मिक्स कर रहे हैं, मिसाला बना रहे हैं ना। तो कहते हैं कि ये अल्लाह के घर का मिसाला है, मतलब ज़ाया ना हो, वैसे भी ये मतलब सफाई रखते हैं लेकिन ख़ास तौर पर अल्लाह के घर पर तो फिर एक चीज़ ज़ाया ना हो ना अल्लाह के घर की। यहाँ पर भी माशाल्लाह मेहनत की जा रही है। नवीद भाई क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। चल आज ये क्लियर हो जाएगी ये दीवार? अच्छा वो पिलर भी हो जाएगा। आटा बनाने के बाद मामी तंदूर जलाने के लिए भी आ चुकी हैं, तंदूर में लकड़ियाँ लगा रही हैं। ऊपर से टाइम भी तकरीबन लगभग सूरज यहाँ पर चला गया है, यानी कि लगभग 12:15 का हो चुका है। अभी जल्दी से रोटी बनाते हैं, हाँ रोटी बनाते हैं, और रोटी के बाद जो है वो सब चटनी वगैरह बना के फिर उसके साथ रोटी। ये हर चीज़ मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगा। एक पौधा जो है ना हमारा अभी तक मतलब इसके पत्ते वगैरह नहीं निकले, लेकिन ये नीचे से सीवी खा चुकी है इसको, ये फ्री हो चुका है मामी। नहीं सीवी क्या, ये हुआ ही नहीं है। हाँ ये पौधे को, हाँ पानी ज़ाया करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये पौधा ख़त्म है, इसकी जगह कोई और चीज़ लगाएंगे। चेक करें जी नानी अम्मा ने मिर्चों को तो अच्छी तरह से पीस दिया है, सब मिर्चों को। अभी इसमें पुदीना भी ऐड कर रही हैं, ताज़ा ताज़ा पत्ते जो है वो डाल रही हैं चटनी के अंदर, और उसके बाद दही ऐड करेंगी, और उसके बाद जी हम गरम गरम तंदूर की रोटी खाएंगे, क्या मज़ा आएगा। वैसे तो नानी अम्मा वो चटनी में मतलब रोटी जो है तंदूर की वो तोड़ तोड़ के छोटे छोटे भोरे करके उसकी चूरी बनाती हैं, तो वो भी बहुत मज़ेदार होती है, बहुत ही मज़ा आता है उसे खाने का भी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। मामू भी आ गए, मामू को भी शौक था दही खाने का, दही की चटनी खाने का। गर्म गर्म चटनी होती है, चटनी ठंडी होती है। अच्छा सच में? हाँ गर्म नहीं होती, तो ठंडी होती है, तो फिर बर्फ डालें तो फिर ठंडी होगी, ऐसे तो मिर्ची डालिए तो फिर गर्म ही होगी। हाँ ये तो खानी है, वैसे दिल कर रहा है थोड़ी सी टेस्ट तो करूँगा। चलिए काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि गांव की सौगात है ना ये।
तो रोटियां भी बन रही हैं, गर्म गर्म रोटियां। मामी ने इसी के लिए कहा कि पहले चटनी बना लेते हैं फिर जो है ना गर्म गर्म रोटियां बनेंगी। मामी ने रोटियां बनाना शुरू कर दी हैं और लाडो खाला भी आ चुकी हैं। जल्दी आ जाए, आ जाए, उतारती जाए ना। अभी पक्के तो सही, कच्ची उतार लो ना। चले लगा दी अभी दो लगी हुई, दो लगी हुई, एक उतार ली मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। एक उतर चुकी है, बाकी लग रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, रोटियां भी आ चुकी हैं और इधर चार पहियाँ भी आना शुरू हो गई हैं। इधर बड़ी खाला भी अपनी उठा के ले आई है, मामू भी लेके आ गया है। अब यहाँ पर बैठ के खाएंगे जी रोटी। हाथ मुँह धोएं, जल्दी जल्दी आएँ, जल्दी जल्दी आएँ। रोटी आ चुकी है, अगर मक्खन होता तो मज़ा आ जाता। देखिए माशाल्लाह तीन चार रोटियाँ जो मामी ले आई हैं, अब जल्दी से और खाएंगे ना तो फिर हॉट पॉट से उठा आऊँगी, फिर ऐसे ठंडी हो जाती है। हाँ लस्सी लेने के लिए जाती हूँ। चूरी नहीं बना के देती? चूरी बना के देती हूँ, खड़े भूख लगी है। छोटे नाल बने सही, खुशबू आ रही है। सब्र तो करे मामू, चटनी तो डाल के दें। गरम गरम रोटी, हाय हाय, गरम गरम रोटी तंदूर की ना ऐसे भी खा लेते हैं, अपना मजे की लगती है। आज आज आप भी आज ये खा लो, फिर वो होंडा बैक नहीं है जो, हाँ फटफटी फटफटी मशहूर फटफटी हमारी, मेरा दिल का टुकड़ा फटफटी ना बोलो। अच्छा उसने गिराया भी कितनी बार है आपको, अभी भी दिल का टुकड़ा है। फिर भी उसकी ब्रेकें नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसकी गद्दी भी नहीं है, वो भी आ गई है, लड़ भी आ गई है। पता है भाभी नींद खुल गई है, किस वजह से अच्छी लगती है? हाँ? दूल्हन बांध के उससे भी आई थी ना। हाँ। बेबो को भी रोटी खिलाओ, खानी है बेबो। बेबो रोटी खा, साहब से मैंने बात की है, मैंने कहा यार मोटर बाइक बना दो कल लेंगे फिर। उसने कहा भेज दो यार, सही कर देता हूँ। चलो मैंने कहा बहुत शुक्रिया आपका, चल आज रोटी खा लो फिर जाओ इसको बनवा दो। चले ये देखें जी, हमारी लाडो खाला भी चूरी बना कर खा रही है। हमने तो ऐसे ऐसे खा लीजिए, लेकिन ये चटनी में चूरी बना के खा रही है। लाडो खाला के काम चेक करें, हमने ऐसे खाई है, लाडो खाला चूरी बना के खा रही है। हर किसी की अपनी चॉइस है। मेरे भी दिल था चूरी बना के खाने का, फिर हम मैंने ऐसे ही खा लिया। मैंने कहा हाथ खराब हो जाएंगे, ऐसे ही मैंने फिर खा लिया। बस अब मैं फूल लू। आपको क्या हुआ, आपको क्या हुआ, क्या हुआ? ये मारती है, क्यों मारती हो, मारती है आपको? अब मारो 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 इसको, उठो मारो 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 मारो, इसके मुंह पे मारो। अच्छा मुंह पे मारो 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 इसको। अभी जा रहे हैं जी उस बाइक को बनवाने के लिए, पुराने वाली बाइक को। इस बाइक को मैं साथ लेके जा रहा हूँ, क्योंकि वापसी हम जो है वो इस बाइक पे आएंगे। वो बाइक जो है वहीं पे खड़ी करके आएंगे और उसको बनवाने के लिए देके आएंगे। एक तो उसकी ब्रेकें नहीं है, एक हर चीज़ जो है ना उसकी हिल रही है, बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, तो उसको भी बनवा लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम आती है। बाइक बनवाने के लिए हम अड्डे से बाहर जा रहे हैं। अड्डे से बाहर एक दुकान है मस्जिद की तरफ, जो कि इस मस्जिद में हम नमाज जुम्मा पढ़ने के लिए आते हैं। उस मस्जिद की तरफ एक शॉप है जो कि जानने वाला भी है, एक तो रियायत करेगा और दूसरा काम अच्छा करके देगा, तो उसके पास जा रहे हैं हम अभी बनवाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम शॉप पर पहुँच गए। ये है बाइक, बाइक आप लोगों के सामने है, क्या खस्ता हालत हुई हुई पड़ी है सारी की सारी, सिवाय इंजन के। इसका इंजन जो है वो काफ़ी पावरफुल इंजन है, लेकिन ऊपर वाली हालत जो है वो काफ़ी ख़राब है। अगर इंजन की बात की जाए उस नई गाड़ी से बेहतर है इसका इंजन, और जोर में भी ताकत में भी। बाकी साइलेंसर वगैरह तो है ही नहीं इसका, बाकी चैन कवर वगैरह, सीट वगैरह, टंकी टापे और ब्रेक्स वगैरह तो बिल्कुल ही नहीं है। तो ये चीज़ें हम डलवाने के लिए आए हुए हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, मोहतरम क्या हाल है? और ये हैं जी हमारे पकवान भाई, माशाल्लाह जी ये पकवान भाई के बहनोई की शॉप है, तो इसलिए इन्होंने बोला कि वहाँ से बनवाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर आए हुए हैं, ये शॉप है, तो भाई को देते हैं बाइक और भाई जो है इसे चकाचक कर देंगे। अच्छा इसे चकाचक कर देंगे ना, बिल्कुल नहीं के जैसे। चलें ठीक है, आप इस पर काम शुरू करें फिर। अभी जी आए हुए हैं इस शॉप पे, गाड़ी को इस शॉप पे लेकर आए हुए हैं। ये है जी आटोज़, राना आटोज़। तो यहाँ से हम इसके सामान का जो इस्टीमेट है वो लगवाते हैं,
क्योंकि उस भाई ने तो बहुत ज़्यादा एस्टीमेट लगा दिया, उसने लगाया है 30,000 प्लस, यानी कि 35,000 रुपये उसने बोला है इस पर खर्चा हो जाएगा। तो हम यहाँ से सामान की कीमत लगवाते हैं कि क्या बनता है ये सारा, अगर हम न्यू करवाना चाहें तो क्या खर्चा आएगा। हमने सामान वाले से भी सामान का हिसाब लगवाया, लेकिन वो वहीं पर भी वही हिसाब बन रहा था, वो कह रहे हैं कि 40,000 तक तकरीबन बन जाएगी ज़ीरो अगर बनवाना है, क्योंकि सामान जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है। तो वो 35 बता रहे थे, यानी कि 35 से 40,000 रुपये लगेगा, ये ज़ीरो गाड़ी बन जाएगी। तो अभी हम वापस जा रहे हैं, गाड़ी जो है ना पीछे भाई लेकर आ रहा है, मैं भी जा रहा हूँ घर वापस। मामू कहते हैं फ़िलहाल घर ले आओ, फिर देखते हैं अगर कोई हिसाब किताब बनता है तो फिर बनवा लेंगे, अगर नहीं बना तो फिर ऐसे ही ठीक है, इस पर थोड़ा बहुत खर्चा जो है वो करवा लेते हैं और इसको चलाते हैं। 30 से 35,000 कौन लगाए इस पर। तो अभी हम वापस घर लेकर जा रहे हैं, घंटा डेढ़ घंटा जो है ना हमारा ज़ाया हुआ उसके साथ भी बहस करते करते और सामान वाले के साथ भी। तो अभी हम घर को वापस जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जी गाड़ी हम वापस लेकर आ गए। उसने तो बहुत ज़्यादा पैसे मांग लिए थे, मामू हैं मस्जिद में, मैं जाके उनको बताता हूँ कि क्या सीन हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा मामू जी, फिर गाड़ी हम वापस ले आए, वो तो उसने तो काफ़ी ज़्यादा पैसे मांगे। मैंने भी कॉल की है, अब भी कॉल कर रहा है, कह रहा है कि यार चलो कुछ जैसे आपको फुर्सत से मिले होते रहना, आप दे देना बनवा लूँ। चलो मैंने आपकी मेहरबानी, मैं भी नाराज़ हो के आया हूँ, मैंने कहा कॉल आ रही है, मैं सुन रहा सुन लेता हूँ। हेलो जी, ठीक है, क्या कहते हैं? कहता है कि आ जाए, कोई बात नहीं। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मेहरबानी, फिर दिए हैं जाके। इधर मिस्त्री भाई काम पे गए, वो घर गया है खाना खाने के लिए, सामान उनका पड़ा था, तो मुझे कह के गए कि आज भी करना, और ये बच्चे ना थोड़े शरारती। हाँ बिल्कुल, सीमेंट अभी लसर नहीं हुआ है, तो ये ना हो फिर इसके ऊपर हाथ वगैरह लगाए, हाथ लगा ले तो सारी मेहनत उनकी ज़ाया हो जाएगी, और फिर ये सामान उनका कीमती सामान है, तो मैं फिर हवा भी माशाल्लाह इधर से ठंडी आ रही है, तो मज़ा आ रहा था, इधर ही खड़ा था। मैंने कहा शायद गाड़ी दे आए, तो फिर जाओ दे आओ, कह रहे थे फुर्सत से जैसे पैसे होते हैं फिर दे देना। मैंने कहा चलो शुक्रिया आपका, मेरे पास ठीक है। ये जी गाड़ी हमने भाई के हवाले कर दी है, अभी हम जा रहे हैं घर को वापस, भाई से बात मामू की डन हो गई है, तो अभी हम घर वापस जा रहे हैं। और रास्ते में मस्जिद आती है जिसमें हम जुम्मा नमाज़ पढ़ते हैं, तो हाफिज़ साहब हैं जो मस्जिद के, वो बुला रहे थे पता नहीं किसी काम से, तो उनकी बात भी सुननी है और फिर घर चलते हैं। उस्ताद साहब को कॉल किए, उस्ताद साहब जो ना यहाँ पर तशरीफ़ फरमा चुके हैं, पता नहीं यहाँ पर आए हुए हैं, कोई मकान वगैरह बन रहे हैं या उस्ताद साहब के, या कुछ काम वगैरह करवा रहे हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है सर जी? ठीक है शुक्र है अल्लाह पाक, आप सुनाएं? ठीक, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है अल्लाह पाक का। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी। ये मकान वगैरह बनवा रहे हैं यहाँ पर? नहीं, हमने आपको बुलवाया इसलिए था। अच्छा। हम यहाँ जो है ये बच्ची हैं हमारे पास, लड़के और लड़के इकट्ठे ही पढ़ते हैं। अच्छा। तो हमने एक अपनी तरफ से अपने वालदैन के इसाले सवाब के लिए ये हमने 6 मरले का प्लाट हमने वक्फ किया है, और यहाँ बच्चियाँ अलहदा हम करेंगे, यानी बच्चियों को अलहदा हम तलीम देंगे, जिससे उन बच्चियों की पर्दादारी भी हो जाएगी और साथ साथ उनको अलहदा बिठाया जाएगा। उनके लिए हम इंशाल्लाह आगे चलते हुए कोई हाफ़ज़ा का इंतज़ाम करेंगे। तो ये हमने बच्चियों के लिए, मदरसे के लिए हमने ये वक्फ किया है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह। ये काम कर रहे हैं, और हमारे मिस्त्री साहब भी आज जो है हमारे पास ये वैसे यानी कि मदद के तौर पर हमारे पास आए हैं। अच्छा 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 जी, माशाल्लाह अल्लाह पाक इनको भी जज़ाए खैर दे। कहते हैं ना कि अल्लाह पाक के नेक काम में जो भी एक हाँ ईंट उठा के भी रख देता है ना, तो उसको भी अल्लाह पाक जज़ा देता तो है। मेरी इल्तिजा ये है कि आप लोग अगर इसमें हिस्सा मिलाना चाहें तो ये हमारे इलाके के लिए भी एक फ़ख्र है, हमारी बच्चियाँ हैं, मुसलमानों की बच्चियाँ हैं। बेशक। तो आप अगर तुम ऐसे अगर कोई मिलाना चाहे तो ये सदका जारिया है जी। बेशक, ये लाइव आपकी वीडियो जा रही है। हाँ माजरत के साथ, मैं वीडियो बना रहा था पहले, तो इसलिए मैंने इधर भी बीच में मैंने कहा था कि मैंने उस्ताद साहब को मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो मैंने कहा चले आपकी वीडियो यहाँ पर बना लेता हूँ, उस्ताद साहब को मिल भी लेता हूँ, तो ये बात भी अच्छी हो गई है। चले जितने भी देखने वाले व्यूवर्स हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग भी इस कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप भी ले सकते हैं, और आपकी
एक एक पाई जो है वो नेक काम में सर्व की जाएगी। और ये जो है ये सदका जारी है, जो भी तालीम यहाँ से जो बच्ची हासिल करके जाएगी वो अपने बच्चों को देगी या आगे किसी को पढ़ाएगी, जब तक पढ़ती रहेगी वो सवाब जो है आपको मिलता रहे, मिलता रहेगा। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हाफिज़ साहब हमारे, माशाल्लाह जी। चलें जी, आज ही बुनियाद रखी है जी, आज बुनियाद रखी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने ये कबसारा तकरीबन 4000 ईंट थी, हमने लगा दी, अभी मिस्त्री उधर से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। चलें, आप बेफिक्र हैं, ये काम जो है ना अल्लाह पाक का होता है और अल्लाह पाक ही करवाता है इंशाल्लाह। और ये निज़ाम जो है ना इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं कि इंसान नीयत करे ना नेक काम की तो वो उसको सवाब मिलना शुरू हो जाता है। तो आपको अल्लाह पाक इंशाल्लाह जज़ाए खैर देगा, और ये अल्लाह पाक का काम है इंशाल्लाह, जल्द अज़ जल्द ही हो जाएगा। ठीक है जी, शुक्रिया बहुत बहुत, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हिस्सा मिलाएं और आपको अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन इंशाल्लाह जी। वालेकुम सलाम जी। अल्हम्दुलिल्लाह मोटर बाइक दे के हम आ गए थे, हम कुछ आराम किया, हमने कुछ सोया, अभी उठ गए हैं फिर से काम अपना करने लगे। मामी अपने काम को लगी हुई हैं, कुछ मेहमान आए हुए थे वो यहाँ पर बैठे रहे, तो अभी फिर से सफाई वगैरह करेगी, सफाई वगैरह करने के बाद फिर अपने काम को लग जाएंगे शाम के लिए। बिल्कुल, खाने की तैयारी भी करनी है शाम को, और आंधी भी आपको पता है हमारे घर रोज आती है, सिर्फ हमारे घर नहीं आती, पूरे इलाके में आती है। और एक और बात बताऊँ, मोटर बाइक भी हम दे के आ गए थे, आपको पता है कि पुराने वाली जो आपकी फटफटी है अच्छा वो दे आए हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, आज बेचारी ना वो बनने के लिए चली गई, नहीं तो उस बेचारी का मीटर क्या सलेंसर मीटर हर चीज बेचारी की खत्म, कुछ भी नहीं था, जीरो बन के आएगी, जीरो अल्लाह करे जीरो बन के आ जाए। तो वो इसीलिए तो नहीं बेच रहे, क्योंकि आप आपकी प्यारी है, सबसे प्यारी आपको वही लगती है, इसीलिए उसे बेचा नहीं है, उसी को बनवा रहे हैं। अल्लाह उसको लंबी जिंदगी दे मेरी मोटर बाइक, आमीन आमीन। तो बस अभी ये चादर निकालती हूँ, चादर को भिगो के रखती हूँ, फिर कपड़े वगैरह भी मैंने धोने हैं, वो जाके धोती हूँ, सालन भी बनाना है, बहुत सारा अभी काम करना है। यहीं पे करते हैं जी वीडियो का एंड, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अपने बहन भाइयों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।